पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के निर्मम बलात्कार और हत्या मामले को लेकर अब देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में बलात्कारियों और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। तमाम लोग केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर में बलात्कारियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कल राजधानी पटना में भी देर रात हजारों डॉक्टर कैंडल लेकर सड़कों पर निकले और विरोध प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की। साथ ही साथ ये भी उनका कहना था कि इस पूरे मामले में राजनीतिक तौर पर जो कार्रवाई है वो चल रही है, इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक एंगल ले लिया है और ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए और बलात्कारियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसको लेकर कल देर रात हजारों डॉक्टर पटना की सड़कों पर उतरे थे और आज भी पटना की सड़कों पर, या यूं कहें पूरे बिहार में, डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। बता दें कि आज सुबह से ही स्वास्थ्य सेवा के लिए हाहाकार मचने वाला है। आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक बिहार में सभी सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा और ऑपरेशन की कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। डॉक्टरों ने पूरे तरीके से कामकाज से अपने आप को अलग कर लिया है और हड़ताल पर चले गए हैं। महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद, हत्या के बाद यह तूफान बिहार में भी बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आह्वान पर यह बड़ा फैसला लिया गया। पीएससी सेंटर, अनुमंडल अस्पताल, सदर अस्पताल से लेकर सभी बड़े अस्पतालों, यहां तक कि प्राइवेट अस्पतालों में भी आज इलाज नहीं हो पा रहा है। पीएमसीएच के लोग काफी परेशान हैं और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे बिहार में जो डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। बात राजधानी पटना की करें तो वहाँ भी, चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, यानी कि रविवार सुबह 6 बजे तक सारी ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ऑपरेशन की कोई सेवाएँ नहीं की जाएंगी और केवल जो इमरजेंसी केस होंगे उन्हें ही देखा जाएगा। उसके अलावा किसी भी तरीके की सेवा तमाम अस्पतालों में बंद कर दी गई है, ठप कर दी गई है। डॉक्टरों की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से यह आह्वान किया गया है, जिसके बाद से तमाम डॉक्टरों ने सारी सेवाएं बंद कर दी है, हड़ताल पर चले गए हैं। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की बेहद निर्मम तरीके से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद से बवाल मचता नजर आ रहा है। लगातार सीबीआई भी इस मामले को लेकर जांच करती नजर आ रही है। पूरे मामले में हालांकि अब तक राजनीतिक एंगल ले लिया है, चाहे वो बिहार हो या देश भर में, पूरा मामला अब राजनीतिक एंगल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार, सब जगह प्रदर्शन जारी है। कल देर रात भी तमाम डॉक्टरों ने कैंडल मार्च किया, विरोध प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की और तमाम डॉक्टरों की यही मांग थी कि जो राजनीतिक एंगल ले लिया है इस मामले ने, उसे बंद करना चाहिए जल्द से जल्द और जो भी बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, इस पूरे मामले में दोषी हैं, उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। इस पूरे मामले में जांच कहां तक आगे बढ़ती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, कब तक महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।